बिल्कुल, हम तो कहते हैं सरकार वो होना चाहिए जो जनता का फायदा करे, अपना फायदा क्यों कर रहे हैं, अपना फायदा क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी दमखम से आएगी, जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगी उसके साथ सब लोग कांग्रेस के पदाधिकारी सब लोग उनके साथ खड़े हैं और सारी जनता उनके साथ। निधि दीदी सतवेद चतुर्वेदी यही उनका दूसरा विकल्प है, यदि इनको टिकट मिलती है तो 1% जो है दीदी निकल जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर। जैसे किसानों के कर्ज की बात कांग्रेस पार्टी ने की, कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में है, बस टिकट का इंतजार है। इस खबर के प्रायोजक है होटल 7B नौगांव रोड छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी की टीम पहुंच चुकी है महाराजपुर, जहां पर हमारे साथ कुछ कांग्रेस के समर्थक मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस कर रही है। राजीव जी आपका स्वागत है, ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस अब किस तरीके से महाराजपुर में अपनी तैयारी कर रही है। कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में है, बस टिकट का इंतजार है। इस बार लेकिन जो सब हुआ है, सर्वे हुआ है, उसमें आपके विधायक का तो काफ़ी रिपोर्ट कार्ड खराब गया है। अब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है रिपोर्ट कार्ड के बारे में, लेकिन ये है कि जिसको टिकट मिलेगा कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। फील्ड पे किस तरीके से कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, लोगों से संपर्क करना? लोगों के सभी जितने प्रत्याशी टिकट मांगने वाले हैं सब संपर्क में हैं। जैसे कि आज एक जन्मदिन के उसमें एक संपर्क अभियान चौरसिया धर्मशाला महाराजपुर में हो रहा है, ये उसी की कड़ी है। इस जन्मदिन को आप किस अंदाज में देखते हैं कि आगामी 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर ये जन्मदिन क्या है? जन्मदिन से पार्टी का कोई बोलना नहीं, जन्मदिन मतलब सब लोग मनाते हैं तो जन्मदिन मनाया जा रहा है। बाकी पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है। पार्टी जिसको टिकट देती है कांग्रेस पार्टी महाराजपुर पर विजयी होगी। फील्ड पे जिस तरीके से ये उत्साह दिख रहा है, ये उत्साह क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? ये तो जन्मदिन है, ये तो अपना पारिवारिक चलता है, जन्मदिन लोग मनाते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव भी तो नज़दीक है, ऐसे में नेताओं का ऐसा नहीं है, ये चुनाव से मिलके नहीं जुलके नहीं है। क्षेत्र की जनता तो खूब दिख रही है। अरे क्षेत्र के लोगों तो आएंगे, जो संपर्क में रहेंगे वो तो आएंगे आएंगे मिलेंगे। जो कांग्रेस किस तरीके से मजबूत है विधानसभा? कांग्रेस अपनी दमखम से आएगी, जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगी उसके साथ सब लोग कांग्रेस के पदाधिकारी सब लोग उनके साथ खड़े हैं और सारी जनता उनके साथ। आप भी जो महाराजपुर विधानसभा है इसमें आपके ही विधायक नीरज दीक्षित हैं और नगर पालिका दो आती हैं, महाराजपुर और आपकी नौगांव, लेकिन दोनों नगर पालिका कांग्रेस से चली गई, ये क्या बात है? वजह क्या रही? इसमें हुआ है कि इस बार वार्ड पार्षदों से अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, लेकिन आपके पास भी काफी थे। हाँ, तो उसमें खरीद फरोख भी ज्यादा हुई है, इस वजह से कुछ नगर पालिका चली गई है, बाकी अच्छा सा। प्रयास क्या रहे कांग्रेस के कि वापस आ जाए? प्रयास अब अगली बार अपन खूब और दमखम से लड़ेंगे। पिछले बार जो अब अपन ने देख लिया है कि जो मेंबर थे उनको खरीद फरोख करके अपना किया है, तो अगली बार अपना मेंबर भी इतने लेकर के आएंगे कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। लेकिन नगर पालिका चुनाव में जो प्रेजेंटेशन है उसको लेकर विधानसभा भी तय होता है? जी, तो अब जो सरकार की योजनाएं हैं देख लिए आदमी, जनता ने बीजेपी की कि कितना झूठ भरे करके हर काम निकाल देते हैं, और विधानसभा चुनाव आते हैं तो ये घोषणाएं वो घोषणाएं करते हैं और फिर उसका कोई फॉलो नहीं करते हैं, तो जनता सब समझने लगी है धीरे धीरे। सब जैसे बस टिकट आ जाएगी किसी को भी मिले और जीत करके कांग्रेस जाए। सीएम शिवराज जी ने अभी 450 रुपये में सिलेंडर कर दिया है और बहनों को ये राखी का गिफ्ट दिया है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये चुनाव नज़दीक आ गए हैं, इसलिए जनता को ये कदम का एक लालच दिया जा रहा है जैसे कि हमें ये वोट मिले। अब इसी टाइम पे क्यों याद आया है लोगों को कि मतलब 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, तो हमारे कमलनाथ जी ने कह दिया कि हम 500 रुपये के देंगे, तो 450 का देने लगे। हमारे कमलनाथ जी ने कहा कि हम 1500 रुपये देंगे, इन्होंने 1000 पर 1250, आप 3000 कह दिया। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो मामा है, वो भांजों को अच्छे से
बना रहे हैं बेवकूफ तो ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जो चल रहा है इसमें जनता को तो फायदा ही है ना? बिल्कुल, हम तो कहते हैं सरकार वो होना चाहिए जो जनता का फायदा करे, अपना फायदा क्यों कर रहे हैं? अपने फायदा का फायदा कर रहे हैं। लाडली बहनों को अभी जो पैसे दिए जा रहे थे 1,000 रुपए, अब 1,250 हो गए हैं। हाँ साहब, वो तो 1,250 क्या, वो तो 3,000 भी करने वाले, उन्होंने घोषणा कर दी उन्होंने, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन धरातल पर यथार्थ क्या है ये सब जनता जानती है, सबको पता है कि ये क्यों सब किया जा रहा है। हमारे तो कमलनाथ जी ने 5 घोषणाएं कर दी हैं, मतलब पुरानी पेंशन भी बहाल कर देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर भी दे देंगे, 100 रुपये के यूनिट भी मतलब जो है वो बिजली फ्री कर देंगे, 200 यूनिट देंगे तो हम उसका हाफ लेंगे। बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे कमलनाथ जी। एक बार मतलब जनता कांग्रेस को वोट देकर देखो तो हम तो 5 हॉर्स पावर के मोटर का भी कनेक्शन किसानों का माफ़ कर रहे हैं। अरे यही तो शिवराज सिंह जी हैं, मंदसौर में क्या हुआ था, किसानों को गोली मारी गई तो ये कहा, वो कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, एक तरफ किसान का बेटा कहते हैं, एक तरफ किसान को टीकमगढ़ में नंगा करके जेल में बंद कर दिया था। तो चुनाव आता है तो ये किसान के बेटे हो जाते हैं, किसान भी इनके हो जाते हैं। जब चुनाव निकल जाता है तो ना ये किसान के बेटे हैं ना किसान इनके, वही किसान है जो पेड़ के नीचे अपना ट्रैक्टर चला करके खेती करता है और पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाता है, फिर उसी पेड़ के नीचे फांसी लगा लेता है। वही किसान है जो खेतों में खाद डालता है और जब परेशान होता है तो वही खाद करके खा करके अपनी आत्महत्या भी कर लेता है। तो ये इनके समय में ज़्यादा हो गया है। अगर कमलनाथ जी की सरकार बनवा दें ये लोग, मैं बिल्कुल पूरे विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग रामराज रामराज जो कहते हैं ना, हम रामराज असली रामराज तो कमलनाथ जी ला के बताएंगे। शिवराज जी जिस तरीके से तोहफा दे रहे हैं और कमलनाथ जी वादे कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या मानते हैं, दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? जनता में स्पष्ट जो है मैंने जनादेश देने की तैयारी है और ये अंतिम शासन होगा शिवराज सिंह सरकार का। 20 वर्षों से जनता सारी बेवकूफ़ियों को समझ रही है, किस तरीके से भ्रष्टाचार में ये लोग लिप्त हो गए हैं। आज चुनाव आ गया है तो इस तरीके की जो कांग्रेस के जो बिंदु हैं, वचन जो कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में जो मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र बना है वो इतना शानदार है, जैसे किसानों के कर्ज की बात कांग्रेस पार्टी ने की, चाहे वो मनमोहन UPA 1 हो, UPA 2 हो, और कांग्रेस ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया था। मैं समझता हूँ कि जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है, जनता भगवान जैसी होती है, जनता बहुत संवेदनशील है मध्य प्रदेश की, और इस बार गलती नहीं कर सकती है क्योंकि 18 महीने की सरकार में लोगों ने देखा था कि कमलनाथ जी का इरादा क्या है। सच्चा इरादा है, ईमानदारी और सत्यता के ऊपर कांग्रेस जो है काम करने वाली पार्टी है, और ये जो है इस बार इस समर में चुनावी मैदान में कांग्रेस बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनाएगी, इस पूर्ण हम लोगों को आशा है। और इस विधानसभा में भी कांग्रेस का परचम लहराया है, वो तो पिछली बार भी लहराया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, रिपीट हो जाएगा, बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, बिल्कुल प्रत्याशी भी रिपीट हो जाएगा। प्रत्याशी रिपीट हो ये आलाकमान के ऊपर है, लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे, हमारी रगों में कांग्रेस पार्टी का खून है। आप इसी महाराजपुर विधानसभा से, तो जिस तरीके से आज जो विधायक नीरज दीक्षित हैं उनका कार्यकाल 5 साल रहा है, उनके कार्यकाल को लेकर आप क्या कहेंगे, और इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो पार्टी किस तरीके से तैयार है? नीरज दीक्षित का कार्यकाल अच्छा रहा है, ऐसा है कि 5 साल में वो विपक्ष में थी, कुछ कमियां रह जाती हैं, जो सत्ता में बैठी हैं उनके आगे विपक्ष में अगर चुनाव उनने किया है तो ठीक किया, और तैयारियाँ तो ऐसी हैं कि हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, और इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सब MP में आएगी, टिकट किसी को भी मिले हम लोग सभी के साथ हैं, कोई भी कैंडिडेट जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग कांग्रेस अपना सहयोग। क्या लगता है इस बार कांग्रेस सत्ता में आएगी? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएगी, 150+ आएगी। ताली बजा भाई। महाराज को विधानसभा में आप कौन सी वो समस्या देखते हैं जिसको लेकर जो मतदाता हैं वो अपने नेताओं से उनका आश्वासन दे करके गुमराह जरूर कर रहे हैं, लेकिन बदलाव चाहती है कांग्रेस पार्टी आई, झूठे भाषण से काम नहीं चल रहा है। आदमी ने ठान लिया है हम वोट कांग्रेस को करेंगे, है कांग्रेस का टिकट किसी को भी नहीं, ऊपर वालों को कांग्रेस
लेकिन आपका क्या विचार है? कांग्रेस टिकट किसको मिलना चाहिए? टिकट तो ऊपर वालों के ऊपर, हम कौन जीत कह सकते हैं कि हम टिकट तो मिल जाए। मतदाता भी आप लोग हैं और नेता भी आप लोग हैं, तो कुछ डिसाइड तो आप लोगों को भी करना होगा। ऊपर वाले करेंगे, हम तो डिसाइड कि किसको दे दो तो मिल जाए। यार फिर भी एक दो तीन नाम कुछ होंगे आपके मन में जिनको टिकट मिल सकती है? हम अभी नहीं जानते, टिकट आएगी तो हम तो कांग्रेस में छोटी से कार्यकर्ता हैं, हम क्या कांग्रेस में काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी के आते हैं। पार्टी के लिए किस तरीके से मजबूती दिखाएंगे, कांग्रेस फिर से रिपीट हो, उसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे आप लोगों के? आप कार्यकर्ता हो और जाके लोगों से बात करोगे? देखिए, सबसे बड़ा विषय ये है कि मतदाताओं को जिस तरीके से 5 साल पहले छला गया उसका जवाब देने का वक्त आया, क्योंकि वो जवाब देने का वक्त पहले भी आया था उपचुनाव के दरमियान। देखिए, जो छल कपट पैसे की जो लेन लेन डर भय जो दिखाया था, अब उससे जनता मुक्त है और इनकी गलतियों को बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उनकी जनता देख रही है। आपने सत्ता गिरा के, सरकार गिरा के अपनी सरकार में आए, सत्ता में आए, तो आपने क्या किया? आपने केवल घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, आपके दफ्तरों में फाइलें चल रही हैं, आपके दफ्तरों में कई, जैसे किसी भी घोटाले की चर्चा होती है उस घोटाले की विधानसभा की बात करो, थोड़ा सा आपसे सवाल किया कि इस विधानसभा में क्या स्थिति है? इस विधानसभा में स्थिति मध्य प्रदेश के साथ साथ ये महाराजपुर भी खड़ा है, कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि इस विधानसभा की गिनती मध्य प्रदेश में निश्चित होगी। ये नतीजे में आप जरूर देखना, तटस्थ है कार्यकर्ता, मतदाता तटस्थ है, और जो लेकिन सर्वे में आपके विधायक नीरज दीक्षित का भी रिपोर्ट कार्ड काफ़ी खराब गया है, फिर ऐसे में कैसे आएगी कांग्रेस? देखिए, सर्वे में अगर हमारा कोई विधायक अगर अपेक्षा पे कसौटी पे खरा नहीं उतरा है तो हमारे पास और भी विकल्प है। ये तो संगठन की प्राथमिकता है ना, संगठन को तय करना है सब चीज़ों को, उनके पास और एक के बाद दो है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, कमी नहीं। लड़ता के रूप में आपको क्या लगता है विकल्प कौन अच्छा हो सकता है अगर वो उनको टिकट नहीं मिला तो? देखिए, टिकट के कई पैरामीटर होते हैं, उन पैरामीटर पे हम लोग एक सीमित व्यवस्था में बात कर पाएंगे। देखिए, जो पैरामीटर शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है उन पैरामीटर पे, जैसे आपकी बात सच अगर साबित होती है कि हमारे पूर्व विधायक जमर विधायक वर्तमान विधायक है वो कसौटी पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो पार्टी ने मन बनाया होगा, उन्होंने 35 से 40 वर्तमान विधायकों के टिकट काटने की मंशा बनाई है। मैं एक जिले का सह प्रभारी भी, मैंने स्वयं कमलनाथ जी को आज से 7-8 महीने पहले लिख के दिया था कि यदि हमें सत्ता में वापसी लानी है तो हमें वर्तमान विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि टिकट जब नए प्रत्याशी को लाते हैं एक नई बहार पार्टी के साथ जुड़ती है, ये मैं बोल चुका हूँ कमलनाथ जी से। मन क्या कहता है कि मतलब विधायक को हटाना चाहिए या रिपीट कर देना चाहिए, कुछ ऐसा सारा? यदि हम काम करने में सफल नहीं है तो मेरी स्वतः जिम्मेवारी है कि हमें उस 2 कदम पीछे चले जाना चाहिए। मैं हित नहीं, मेरा हित नहीं, परिवार का हित, क्योंकि केवल ये लड़ाई विधानसभा और विधायक बनने के लिए नहीं है, इस लड़ाई में इस चुनाव के दरमियान क्षेत्र की जो समूची जो 2-2.5 लाख मतदाता होता है उनके प्रवचन जो होते हैं, जब मतदाता पेटी में अपना वोट डालता है तो अपने सपनों को बुनता है, अगर उन सपनों को हम यदि कसौटी में खड़े नहीं उतर पा रहे तो हमारी भी जवाबदारी में 2 कदम पीछे आके हमें अच्छे विकल्प के लिए खुद ऑप्शन देना चाहिए। भैया जी की बात से कितने सहमत तो हैं, लेकिन इस बार जो है हमारे जो विधायक जी रहे हैं कांग्रेस के, 18 महीने उनकी सरकार रही, सत्ता में रहे, लेकिन वो यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए, विधानसभा के लिए कुछ नहीं कर पाए। जिस तरीके से उन्हें मैंडेट मिला था 35 साल के बाद, वो विधायक जी खड़े नहीं उतरे, और यदि आला कमान दूसरे को मौका देगी तो निश्चित रूप से पार्टी का विधायक बनेगा और कांग्रेस की सरकार। अब दूसरे विकल्प में माई निधि दीदी सतवेद चतुर्वेद, यही उनका दूसरा विकल्प है, यदि इनको टिकट मिलती है तो 1% जो है दीदी निकल जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर। मामा ने जो है इतना छला चलो मामा की लोगों को, बहुत लोगों ने कर दी। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? कुरहा पंचायत से। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके जो विधायक नीरज दीक्षित, उन्होंने मतलब सरकार का भी स्वाद चख लिया, विपक्ष में रह के भी देख लिया, तो उनके कार्यकाल को आप किस अंदाज में? नीरज दीक्षित अपने 5 साल के कार्यकाल में वो खड़े नहीं उतरे, क्यों? सर्वे हुआ, कुरहा पंचायत से हूँ, किसान कांग्रेस में प्रदेश सचिव भी हूँ, और
सतबीर चतुर्वेदी विनोद भैया मेरे बॉस हैं, वो पिता तुल्य हैं और उनकी मम्मी के टाइम से मैं कार्य करता हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूँ कि आपने सरकार 18 साल चलाई है, बालू का काम और ठेकेदारों का काम हाँ चला है, गौशाला कहीं नहीं बनी। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार रही और सिंधिया के विधायक 22 विधायक 50-50 लाख में खरीद के सरकार हमारी गिराई है। नहीं, गौशाला तो बहुत है पूरे नहीं, नहीं, प्रदेश में कुर्रा पंचा दूरा में कोई गौशाला नहीं है, पांच सौ नंग फिर रहे हैं, आए दिन गौ माता की हत्या हो रही है, अनदेखी कर रही है सरकार का फोकस नहीं। तो इस तरीके से महाराजपुर विधानसभा के लोगों का कहना है और ये कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बोलो भैया जी के माध्यम से अपनी बात बताई है और अपने विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी तय किया है। तो हम इस तरीके से और भी जगह जाकर ये बताते हैं कि किस तरीके से उनके क्षेत्र के विधायक कार्य कर रहे हैं, उनके समर्थक या पक्ष विपक्ष जो भी हैं तमाम लोगों से बात करते हैं और बोलो भैया जी के माध्यम से ये जानते हैं कि आखिरकार क्षेत्र में विधायक ने कितना कार्य किया है और इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें पार्टियाँ किस तरीके से काम करने वाली हैं। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।